मैं जानता हूँ कि उसने हमसे आवाज बदल कर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए, ये कौन है और उसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। ठीक है बालवीर, मैं अभी पता लगाती हूँ। ओ हेलो ध्वनि परी, आप ये सब क्या चल रहा है डब्बू? तुमने मुझे बोला था कि मेरी आंसुओं की वजह से तुम्हें विवान को ढूंढने का क्लू मिल जाएगा, बट कहाँ है विवान? मिल गया ना, विवान मिल जाएगा, तुम इतना मत सोचो। क्यों ना सोचो? सोचोगी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो आग के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोचो ना, और काले गड्ढे पड़ जाएंगे तो तुम्हारी ब्यूटीफुल आइज कैसे नजर आएगी? ओ हेलो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाँ ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब अभी तक बना रहे थे? ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दो दो परियां इन्वॉल्व है, डूबा डूबा विवान बना हुआ है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और तुम बता नहीं रहे कि विवान का है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा कि विवान का है, बहुत हो चुका है। तुम्हें विवान की कसम। इसमें है विवान। What nonsense? विवान इस छोटे से गोले में कैसे हो सकता है? तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? हाँ। क्या? अब अरे मेरा मतलब है हाँ, इसके अंदर है विवान। अब सच बोल रहा हूँ तो तुम मान नहीं रही हूँ। तुम कुछ भी बोलोगे अब मैं मान लूंगी। देखो डब्बू, अब बहुत हो चुका है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि विवान कहाँ है। डब्बू बताओ मेरा भाई कहाँ है? अरे मैं नहीं कि घर में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। अरे दीपू भैया प्लीज, इतना ज्यादा हिलाइए मत, वरना मेरे मैंगो शेक बन जाएगा। अरे विवान, ये मेरी गलती नहीं है, इस भूकंप का नाम अनन्या है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि विवान का है। अरे अनन्या दीदी प्लीज रोक गए इस अर्थक्वेक को, वरना बेकार में मैं गिटार की तरह बजता रहूंगा। ये तो विवान की आवाज है, इसका मतलब सच में विवान इसके अंदर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विवान इतना बड़ा है, ये इतना छोटा सा, इसके अंदर विवान कैसे आ सकता है? ये सब क्या चल रहा है? विवान बनने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, सिर के बल खड़े हो जाओ। क्या मैंने हिमक्रीम खाई तो आप मुझे धरतीवासियों जैसा दंड दे रही है क्या? विवान खोल दरवाजा। हिमक्रीम खाने से सिर का तापमान बहुत ठंडा हो गया है, अब सिर का तापमान बढ़ाने के लिए और जादू का असर दोबारा करवाने के लिए तुम्हारे सिर में रक्त का बहाव बढ़ाने के लिए तुम्हें सिर के बल खड़े होना ही पड़ेगा ना। अरे तो ऐसा बोलिए ना, मुझे लगा आप तो मुझे उल्टा लटकाने वाली है। जल्दी करो, ये लो, करो करो। विवान संभालो संभालो, विवान बाहर आ जा जल्दी से, वरना आज तेरी कान खिंचाई पक्की है, समझ रहा है ना? दोबारा कोशिश करो। ठीक है, देखती हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलता, मैं भी यही खड़ी हूँ। विवान क्या तोड़ दिया तूने? डूबा डूबा मैंने कहा था ना ध्यान लगाओ। और मैं कह रहा हूँ बाल परे कि आप मेरे बजाय बाहर जो करुणा जी बैठी है उन पे ध्यान लगा। अरे उनसे डर के कारण मेरा ध्यान हट रहा है। वो विवान का सामना कुछ दुश्मनों से हुआ था जिन्हें तिमनासा की तरह विवान से कुछ चाहिए था, लेकिन विवान ने उन्हें देने से मना कर दिया और फिर हमारे दुश्मनों ने गुस्से में आकर विवान को इस गोले में डाल दिया। ये गोला पहले बड़ा ही था, लेकिन फिर दुश्मनों ने तुमसे चुरा कर इसे छोटा कर दिया। अब परिया इसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है और इस समय मैं परियों की मदद कर रहा हूँ। इसका मतलब विवान आज इस सिचुएशन में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ। अगर मैंने इस गोले को संभाल के रखा होता तो आज विवान इस प्रॉब्लम में नहीं होता। अरे ओ हेलो, सॉरी सॉरी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है, गलती से हो गया है, तो इस सब में परेशान मत हो, बल्कि स्माइल करो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल सूट करती है।
और अब तुम्हें इस सब के बारे में पता चल चुका है तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती हो, है ना? बालवीर, विवान के घर पर तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से आ जाओ वरना डूबा डूबा पकड़ा जाएगा। दोनी परी, आप अपनी शक्तियों से उस आवाज के बारे में पता लगाई, तब तक मैं और अनन्या घर पे माँ से मिलकर आते हैं। अब चलो अनन्या। हम विवान, विवान तो निकल रहे कि नहीं बाहर? विवान, तोड़ो दरवाजा। क्या मुझे माफ कर दीजिए बालपुरे, मुझसे नहीं होगा। अपने आप पर भरोसा रखो, हमें ये करना ही होगा। कहूंगा मैं। विवान, दरवाजा खोल। विवान खोल दरवाजा। विवान, विवान बाहर निकल वरना बता रही हूं तुझे बहुत पिटेगा। विवान खोल दरवाजा। अरे माँ 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 मा, आप अब यहाँ पे क्या कर रही है? अब आरती करने का टाइम जा रहा है ना? अरे हाँ, पूजा का टाइम भी हो गया है। पर ये विवान है ना, बदमाशियां करे जा रहा है, खोल नहीं रहा है दरवाजा। कब से चिल्ला रही हूँ मैं, मुझे कान खींच के डांटना है इसे। अब माँ विवान को तो कभी भी डांट सकती है। अब आरती का टाइम निकल गया तो फिर पूजा नहीं हो पाएगी ना। और जैसे अनन्या बिना टाइम देखे कभी भी मुझसे लड़ लेती है, वैसे आप भी विवान को कभी भी डांट सकती है, है ना? हाँ ये भी सही है। आरती के बाद देखते हैं। हाँ। अब चलो। हाँ? ओ हेलो, मैंने कब बिना मतलब के तुमसे लड़ाई की? बताओ जरा, बोलो। बोलो। अरे अभी अभी क्या कर रही हो? बिना मतलब की तो लड़ाई कर रही हो। हाँ? अब तुम पूरी तरह से विवान बन गए हो। अच्छा जल्दी से आरती में चली जाओ। लेकिन करुणा जी डांटेंगी। पूरा डिब्बा हीम क्रीम खा सकते हो लेकिन डांट नहीं खा सकते। जाओ। ठीक है। असली विमान को उस गोली से बाहर निकालने का कोई हल मिला? अभी तक तो नहीं। अब एक ही उम्मीद है हमारे पास, ध्वनि परी। आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। चीख कैसे आ गई? अगर फिर से चीख आई तो जिस जादू से मैं विवान बनाऊं तो वो जादू बेअसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और खाओ आइसक्रीम तुम। अब आंटी ये दिए में घी कम है। हाँ इसमें तो घी पूरा है अनन्या। तो सारे काम उल्टे ही करेगा क्या?
सॉरी। बोलो नहीं, सुनो, ये सुनो कि क्या पनिशमेंट देने वाली हूँ मैं तुम्हें। आंटी पनिशमेंट बाद में दे देना, अभी आरती का टाइम है तो आरती कर लेते हैं। हाँ तो यही रुकना। बालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। बस आखिरी रास्ता बचा है वीर लोग जाकर हल ढूंढने का। हे भगवान, इतनी कृपा कीजिए कि ध्वनि पर ही पता लगा पाए कि आखिर ये असली आवाज किसकी है, ताकि हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और विवान को उस गोले से निकाल सके और फिर से असली विवान अपने भाई बहन, अपने परिवार और दोस्तों से मिल सके। वो माँ, बोलो नहीं, सुनो, आरती लिए बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। आ जाओ। गुस्सा तो आरती के साथ ही खत्म हो गया मेरा। अब वैसे भी इतनी देर तक कहाँ गुस्सा रह सकती हूँ मैं तुझसे। बदमाश। आपको तो पता भी नहीं है आंटी कि आपका बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मेरा प्रॉमिस है आंटी कि असली विवान को आपके सामने लाने के लिए इस लड़ाई में मैं देबू और परियों का पूरा साथ दूंगी। अब जहां जाना है जा सकते। वैसे कहाँ की जल्दी है इतनी? माँ वो एक्चुअली कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज डेडलाइन है उसकी, तो मुझे फटाफट वो प्रोजेक्ट खत्म करना है और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। काम मैं आप करूँ। मैं चलता, बाय। ध्वनि परी, अब इस गोले को वीर लोक ले जाने का समय हो गया है, पर अनन्या को नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, इसलिए उसे यहाँ से भेजने में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बालवीर। विवान, विवान गोले में से बाहर कैसे आ गया? विवान गोले में से बाहर निकल ही नहीं सकता। I'm 200% sure ये कोई मैजिकल डुप्लीकेट है। बहुत हवा में फ्लाई करते हो ना बालवीर, अब देखो मैं कैसे इस गोले को हवा में उड़ाता हूं।
तैयार हो जा पक्षी। उसे रोकना होगा। हाँ आ जाओ पकड़ो विमान को। अभी अरे मेरा मतलब गोली को पकड़ो। सॉरी मैं भी आता हूँ। अब तक तुम लोगों ने चिड़िया उड़ खेला होगा लेकिन आज गोला उड़ खेलोगे। अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अनन्या डुबड़वा तुम दोनों उस दिशा में जाओ। मैं और ध्वनि पर यहां जाते हैं। जाओ क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा प्रे। ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है। यही कहीं आसपास से। अब हम इस जादू का जवाब जादू से देंगे। ध्वनि परी अभी इसे नीचे उतारती हूँ मैं। ध्वनि परी आपके जादू का असर इस पक्षी पर क्यों नहीं हो रहा है? ये बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे। पहले चलो उसके पीछे। नहीं नहीं ध्वनि परी अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये बालू पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का? कहीं इसे हमारे बारे पता तो नहीं चल गया? रे, अब ये लोग बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, मतलब हमारी। I am also surprised. अब कौन सी नेटर चल रही है बालवीर के दिमाग में? लेकिन फिर दुश्मन का कैसे पता चलेगा? पीछा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विवान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी हमारे दुश्मन के लिए भी है। इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। बालवीर अभी तक रुका हुआ है, इसे छोटे बालवीर की टेंशन नहीं है क्या? हाँ।
कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। चलिए ये दूर जाकर कौन सा माइंड गेम खेल रहा है बालवीर? ब्रिगेंजा, तुम अपनी फ्लाइंग कबड्डी चालू रखो, तब तक मैं इस बालवीर को देखता हूं। ध्वनि परी, अब हम ऐसी जगह पर हैं जहां से हमारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.